टुडे वी विल टीच अबाउट लेसन नंबर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम. आई विल टीच यू इन दिस लेसन अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर. पहला क्वेश्चन है हाउ द कोल वाज ओरिजिनेटेड. कोल कैसे प्राप्त होता है? तो आंसर है अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द एनिमल्स एंड बैक्टीरियल बिकम अंडरग्रो अंडरग्राउंड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स एंड टर्न इनटू कोल एंड हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर. लगभग 3000 वर्ष पहले एनिमल और वनस्पति प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी में दब गए और अधिक ताप व दाब पर ये कोल में परिवर्तित हो गए. नंबर टू स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन. यानी क्या है कंबस्टन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है. फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबस्टन. कंबस्टन के लिए निम्न शर्तें होती है. नंबर एक प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. यानी क्या है जलने वाला पदार्थ होना चाहिए. रेगुलर सप्लाई ऑफ सपोर्टिंग सब्सटेंस. इस मतलब जो पदार्थ है उसकी जो सप्लाई है वो लगातार होनी चाहिए. द टेम्परेचर एट विच इन द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर. यानी क्या है जलने वाले पदार्थ का क्या है एक नियमित या निश्चित क्या होना चाहिए ताप होना चाहिए. नंबर तीन क्वेश्चन होता है तीसरा व्हाट आर चारकोल एंड बायोगैस. तो चारकोल क्या है बायोगैस क्या है. तो कोल ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज कॉल्ड चारकोल. यानी वह कोयला जो लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं चारकोल. द गैस प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ड्यूरिंग ऑफ केटल इज कॉल्ड बायोगैस. यानी बैक्टीरिया की उपस्थित में वह गैस जो बैक्टीरिया की उपस्थित में केटल माने होता है गोबर वेस्ट जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जानवरों के मवेशियों के तो वेस्ट पदार्थ उसको कहते हैं केटल. तो क्या है जो बैक्टीरिया की उपस्थित में केटल के विघटन से जो गैस प्राप्त होती है उसको कहते हैं बायोगैस.